सच तो बोला भाई। सो सिर्फ इतना बताओ, मैं आपको ऐसा ही बोलूंगा करके दिखाओ ना प्लीज, ऐसा 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 वो पॉसिबिलिटी तो नहीं है, बट व्हेन यू वेंट थ्रू इट, व्हेन यू रेड दैट ऑल ऑफ दैट, व्हाट वाज लाइक द फर्स्ट टाइम यू रेड इट, द फर्स्ट वन एंड सेकंड वन दोनों में, जो आपने जो पूरा मोनोलॉग दिया था, व्हाट वाज लाइक, ये मैं कैसे करूंगा, गिव दैट रिएक्शन। अरे मैं क्यों नहीं करूंगा, ये बहुत अच्छा था यार। मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा था कि आई थिंक ये किसी ने ऐसा किया नहीं था कभी उससे पहले, एंड फॉर एन एक्टर टू हैव अ सीन लाइक दैट जिसमें आपको इतना सब वो एक शॉट में करना था, वन शॉट में किया था इवेंचुअली, एंड आई वाज रियली हैप्पी व्हेन आई रेड इट। आई वाज लाइक कि कहीं ना कहीं कनेक्ट ही हो रहा है, थोड़ा बहुत लगता है हाँ ऐसा हुआ है, ऐसा कहीं दोस्त के साथ हुआ है, किसी और दोस्त के साथ हुआ है। सच में भावनाओं में बह गए थे, फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे तो वो मेथड एक्टिंग थी, मैंने सोचा रियल में हो रहा है मेरे साथ, एंड उसको फिर फाइनली किया, बट आई वाज रियली हैप्पी। बाय द वे कार्तिक भाई लास्ट मूवी क्रॉस 100 करोड़, सो ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। Yes, and I promoted the film on my YouTube channel, so it's a very special movie for us. So, what changed after this movie, Sonu Gadde TV series? एक बार मैं नाम बोल दिया पूरा सोनू गड्डे की सिटी, वेरी गुड। सो चेंज चेंज आई थिंक, मतलब वो अगेन एक एक्टर की लाइफ में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बॉक्स ऑफिस नंबर, और वो मेरा फाइनली मेरा नंबर आया, एंड आई वाज रियली हैप्पी, रियली आई मीन बिकॉज ऑफ दैट वैलिडेशन, जो एक बॉक्स ऑफिस नंबर देता है, क्रिटिकल एक्लेम मिल रहा था कहीं ना कहीं काम के लिए, बट एक ये चीज़ है जो सरपास कर जाती है सब चीज़ों को, and that happened with this film, and finally I am getting a chance to work with the kind of directors, the kind of writers, the team jinke sath main hamesha kaam karte rehna chahta, aspire karta tha, to wo tarike ki film mujhe aa rahi hai meri taraf, and still there's a lot more to come, lot more things to do, and I'm really happy with the kind of change, matlab jo change mere career mein bhi aaya, so I'm just looking forward to the future. अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको चूज करना पड़े बॉक्स ऑफिस नंबर्स एंड ऑडियंस रिव्यूज, लेट मी बी, मतलब ऑडियंस को पसंद आए पिक्चर, या आई वुड रादर चूज अ 100 करोड़ मूवी, व्हाट वुड वुड यू चूज? ऑडियंस को, हमेशा ऑडियंस को, आई थिंक दैट हैज बीन द केस, जब क्या होता है, आई थिंक इट्स विद एवरी यंगस्टर्स, एवरी हम लोग कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं, हम लोग को चॉइसेस पता है हमारी फिल्म्स की भी, एंड मैं थैंकफुली उस एज ग्रुप का हूँ जहाँ पे मुझे भी समझ आता है यार ये मैं देखना चाहता हूँ, ये मैं नहीं देखना चाहता हूँ, एंड एक ट्रेलर से एक्साइट हो जाता हूँ, जैसे लाइक आई रियली लव अंधाधुन, मतलब एंड मतलब दैट इज अ काइंड ऑफ फिल्म, वो अट्रैक्ट करती है यंगस्टर्स को, एंड आई थिंक वी रिलेट टू इट, तो वो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू कि ऑडियंस का रिएक्शन अच्छा होना चाहिए, उनको ये नहीं बोलना चाहिए इसको काम नहीं आता, वो बहुत डर लगता है मुझे इस चीज से। नहीं नहीं वो आपका मोनोलॉग देख के आइडिया आ गया कि आपको, मेरे को लग रहा है आपने ना इंजीनियरिंग में रट्टा बहुत मारा था, ताकि इतनी बड़ी स्क्रिप्ट आपको इतना अच्छा याद है। अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम, इट्स इम्पॉसिबल टू परफॉर्म सच अ सीन, इट्स वन ऑफ अ काइंड इन मोहन, एक्चुअली ग्लोबली इट्स वन ऑफ अ काइंड सीन। आपको कुछ रिकॉर्ड भी मिला था ना इसके लिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यू गिवन समथिंग? हां नहीं, मुझे कुछ दिया नहीं था, बस व्यूज बहुत थे दोनों मोनोलॉग्स को, बहुत सारे व्यूज थे, एंड या इट्स द लॉन्गेस्ट मोनोलॉग, देयर वाज सम गिनीज हिस्ट्री ऑफ आई थिंक बॉलीवुड देयर एवरीवेयर, सो हां वो है, बट हां गिनीज का था क्या? गिनीज का था, मैंने सुना था, आपने भेजा था मेरे को, आई सी चंचलाली बुक्स ऑफ रिकॉर्ड वो मिला। अच्छा आपने मेरे साथ एक इंसिडेंट शेयर किया, आई वुड लव इट दैट यू शेयर विद द ऑडियंस, आप शायद एग्जाम देने गए थे ना, फर्स्ट मूवी रिलीज आफ्टर, व्हाट हैपेंड इन इट्स राइट स्ट्रेट करो ना सबको। अरे कुछ नहीं, मैं मतलब मेरी पहली फिल्म रिलीज हो गई थी और मैं ड्रॉप आउट हुआ था क्योंकि मेरे को शूट करनी थी फिल्म, तो फाइनली एग्जाम्स नहीं दे पाया था जब मैं शूट कर रहा था, तो जो वापस से एटी लग जाती है तो फेल हो जाते हैं, ऑफकोर्स इंजीनियरिंग स्टूडेंट सबको पता होगा, तो मेरी बहुत सारी केटीज आ गई थी, एंड मैं वो जब देने गया फाइनली तो वो मैं हूँ ना जैसे हो गया था, जैसे शाहरुख सर गए थे ना वापस कॉलेज में पढ़ने के, तो मेरे को बड़ी अच्छी फीलिंग आई थी कि
कॉलेज आया एग्जाम देने बिना पढ़े, लेकिन पीछे वाला भी चीटिंग कराने के लिए राजी है, आगे वाला भी चीटिंग कराने, बाजू वाला भी, सब चीट्स लेकर आए मैं, तो वो एक हो गया, तो मैं फाइनली पास हो गया. एंड सो आई वाज रियली हैप्पी विद द रिजल्ट्स. एटीट्यूड के साथ गया, चल चल मेरे लेक्चर की हट. अभी व्हाट आर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स? मैं सुना आप दिस कृति सैनन के साथ मूवी आ रही है, क्या कर रहे हो? हां मैं मेरी अगली फिल्म है लुका छुपी. लुका छुपी बता सकते हो क्या है? नहीं, कृति सैनन के साथ लुका छुपी एंड ये दिनेश अजन प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो मैड ऑफ फिल्म्स जिनकी स्त्री आई थी अभी. एंड या आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. मेरी एक्चुअली ये फिल्म फास्टेस्ट फिल्म है जो मैंने ख़त्म करी है, मतलब बहुत कम टाइम में, हालांकि ये कोई रिकॉर्ड होता नहीं है. प्राउड ऑफ इट, बट आई एम जस्ट रिलीव्ड एंड हैप्पी कि इतनी जल्दी भी फिल्म खत्म होती है. एंड सो लक्ष्मण उतेकर जी डायरेक्ट कर रहे हैं, वो इज अ डी ओ पी, रिनाउंड डी ओ पी in our industry, and he is directing for the first time. It's a comedy. Again, comedy hai, romance hai. You love romance, right? Aapko main dekh ke baat karta hu, main you do right? Are wo log pooch rahe hain kaun sa aata hai, main decide kar gaya. Are most important, I forgot to ask a very important question. How was the experience working with me? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था ये, बहुत मेहनती है आशीष. ये एकदम स्पॉन्टेनियस है, बिल्कुल भी. एक्चुअली ये वीडियोस चलाता है उधर, बहुत सारी ऐसी वीडियोस इसके जो कहीं से देखी होगी बाहर वाली, और फिर यहाँ पे करता है. मैं कहा था कुछ होगे और यूट्यूबर को मुझसे मैच कर रहे हो, मैं तो नहीं. नहीं, बट सीरियसली आशीष इज वन ऑफ द फनीस्ट गाय आई हैव एवर मेट. ही इज समवन जो वहाँ पे सामने सामने चेंज कर देता है स्क्रिप्ट की, ये करते हैं ये करते हैं, ये अच्छा लगेगा, ये ऑडियंस को अच्छा लगेगा, और वीडियो में व्यूज बहुत बढ़ेंगे, वो व्यूज की बहुत बड़ी रहती है. तो बट हमारे पिक्चर प्रमोट करने के लिए उसके लिए तो आए हैं, ऐसे बॉक्स ऑफिस की पड़ी है, व्यूज की पड़ी है. एग्जैक्टली, मूवी तो इंपॉर्टेंट आए ना, व्यूज आए ना, 12 मिलियन व्यूज आए. ट्रेन कर रहा था आशीष और मेरा वीडियो, जो आशीष ने एक वीडियो में के हमारे साथ शूट किया था, बहुत अच्छे यूट्यूबर है, बहुत अच्छी महान हस्ती है. मेरे को मारने वाले पीछे स्टेज पे जाके, तो मैंने काफी पैसे बात की थी, यानी वॉचेस अ लॉट ऑफ यूट्यूब. So, आपने डिजिटल पे आने का प्लान किया? Except Bikini, of course. मूवी पे आप इधर कौन आने का प्लान किया आपने डिजिटल में, वेब सीरीज में? Of course, मतलब अभी जो जैसे सीक्रेट गेम्स मैंने देखा था. Yes. 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 तो बहुत इसका क्या रिलेशन है सीक्रेट गेम्स? तो बहुत अच्छा लगा, अच्छा लगा ना, बहुत अच्छा, भी बहुत अच्छा लगा. बहुत बढ़िया. I love the guy, a very decent guy in the show. Bundy, I will give you a lot. तो काफी अच्छा लगा.